नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे छठी क्लास का पाठ नंबर एक, भोजन यह कहाँ से आता है। इस पाठ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे भोजन के मुख्य संघटक कौन कौन से हैं और वो हमें किस तरह के जीवों से मिलते हैं। किस तरह के जीवों से मतलब कि वो हमें जंतुओं से मिलते हैं या पौधों से मिलते हैं, और कितने तरह के जंतु हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इन सभी चीजों के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इसे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपने दोस्त ने आज क्या खाया था? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? जो भोजन हमने कल खाया था, हमेशा वही नहीं खाएंगे। जो सुबह खाया था, वो भी हम बदल देंगे। तो सुबह, शाम, दोपहर, रात, इन सभी समय का भोजन अलग अलग है और अलग अलग समय में, जैसे बरसात के समय अलग भोजन होगा, गर्मियों के समय अलग होगा, सर्दियों में अलग होगा। तो हम अलग अलग समय में भिन्न भिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यह सारणी दी हुई है, यहाँ पे अपने दोस्तों का नाम और पूरे दिन भर में वो क्या खाते हैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचिए। चावल बनाते ही होंगे, खाते होंगे। पका चावल अगर हम बात करें तो पानी और चावल दो चीजों से मिलकर बना है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। संघटक मतलब हिस्से, दो हिस्से या दो भाग या दो पदार्थ हमें चावल बनाने में लगते हैं, चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ भोजन ऐसे हैं जिनको हम दो संघटकों से या दो भागों से बना सकते हैं, और कुछ ऐसे भोजन हैं जिनको बनाने में हमें दो से अधिक संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्त तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। यहाँ सारणी में कुछ व्यंजन दिए हुए खाद्य पदार्थ हैं, जैसे रोटी या चपाती का उदाहरण है। इसे बनाने के लिए हमें आटा और जल, ये दो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दाल, दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी जिसमें हम उसको बना रहे हैं, और कई तरह के मसाले जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, इसी तरह के बहुत सारे मसाले प्रयोग। यहाँ पे कुछ खाली जगह दी हुई है, आप ऐसे दो तीन खाने बना सकते हैं और वहां पे कुछ खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों के कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक आते कहाँ से हैं? जो भी हम खाने में संघटक प्रयोग करते हैं वो मिलते कहां से हैं? 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि खाने वाले जो संघटक हैं वो हमें मिलते कहां से हैं, उनके स्रोत क्या हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहां से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इससे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। ज्यादातर हम धान और गेहूं, धान का मतलब है चावल, और गेहूं की खेती करते हैं, उसको पंक्तियों में उगाते हैं। हमारे आसपास आपने खेतों में देखा होगा, इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। दूसरा, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अनाज हमें पौधों से प्राप्त हुए, और दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस ये हमें सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमें या तो पौधों से प्राप्त होंगे या फिर
जंतुओं से प्राप्त होंगे। क्रियाकलाप नंबर तीन, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास है सारणी 1.3, इसमें खाद्य मद यानी खाद्य पदार्थ, इसमें प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री और उनके स्रोत क्या हैं, ये सब दिए हुए हैं। जैसे इडली, इडली बनाने में हमें चावल चाहिए, उड़द चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। अब ये चारों चीजें हमें मिलती कहाँ से? चावल हमें पता है पौधे, चावल के पौधे होते हैं, पौधे से मिलेगा। उड़द की दाल, ये भी हमें पौधों से मिलेगी। नमक, ये हमें समुद्र से मिलता है। और जल, जल हमें ट्यूबवेल से मिल सकता है, नदियों से, तालाबों से, या बारिश का पानी भी हो सकता है। चिकन करी, चिकन करी बनाने में हमें चिकन की आवश्यकता पड़ती है, जो मुर्गी है जंतु से प्राप्त होता है। मसाले जो भी हैं हमें पौधों से प्राप्त होंगे। तेल या घी हमें पौधों से भी मिल सकते हैं, जंतुओं से भी मिल सकते हैं। बहुत सारे तेल हैं जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं और बहुत सारे तेल हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। और जल जो है वो फिर दोबारा से हमें वर्षा का जल तालाब से, नदियों से, या हम ट्यूबवेल करके उसको निकाल सकते हैं। ऐसे खीर अगर बनानी है तो उसमें दूध, चावल और चीनी, ये तीन संघटक चाहिए। दूध हमें जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस भेड़ बकरी से। चावल के पौधे हमें पौधों से मिलता है और चीनी हमें मिलती है गन्ने से, जो कि एक प्रकार का पौधा है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप तीन से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। जातव मतलब जंतु उत्पाद, जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडा, मछली, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध उत्पाद, जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के अन्य प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? यहाँ पे कुछ जंतुओं के नाम है गाय, बकरी और भैंस, इनसे हमें दूध मिलता है। यहाँ पे पूछा गया है कुछ और जंतुओं के नाम बताने जो हमें दूध देते हो। इनके अलावा ऊंट, अगर रेगिस्तान की बात करें वहां पे ऊंट सामान्यतः मिलता है, वो उन्हें दूध देता है। इसमें भेड़, भेड़ से दूध मिल सकता है। पहाड़ों पर याक से दूध प्राप्त किया जा सकता है। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे के भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में पौधे के भाग मूल रूप से दो भाग हैं पौधे के, जिसके अंदर है जड़, वो हिस्सा जो जमीन के अंदर है, और एक तना जो जमीन से ऊपर रहेगा। ये दो भाग हैं, जड़, तना, और तने पे पत्तियां लगी हैं तीसरा हिस्सा। पत्तियों से फिर टहनियों पे पहले कली निकलेगी, फिर उससे पुष्प बनेंगे और फिर उससे फल बन जाएंगे। तो ये कुछ 6-7 हिस्से हैं। छठी क्लास के हिसाब से हम बना सकते हैं कि जड़ें, तना, पत्ती, कली, पुष्प या फूल और फल भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। पौधों पे फल भी पाया जाता है जो हम भोजन स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भोजन हमें पौधों से मिलता है, तो पौधे के वो अलग अलग हिस्से हैं जिनको हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। कुछ पौधों में हम उसकी जड़ खाते हैं, जैसे मूली का जड़ है, उसमें हम उनकी जड़ें खाते हैं। कुछ पौधे हैं जिसके अंदर हम उनका तना प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, आलू एक तरह का तना है जिसको हम प्रयोग करते हैं। कुछ पौधों के अंदर हम उनकी पत्तियां खाते हैं, जैसे धनिया है, मेथी है या सरसों का साग है। कुछ पौधे हैं जिसका हम
पुष्प या फूल खाते हैं, जैसे फूल गोभी हम उसका फूल प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग हिस्से हैं जो खाए जा सकते हैं, उसी के हिसाब से हम उन पौधों को कि उन हिस्सों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी आपने सीताफल या काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। एक फल है जिसको पकाकर चावल के साथ खाया जाता है। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ज्यादातर पौधे ऐसे हैं जिसका कोई एक हिस्सा, चाहे वो जड़ है, तना है, पत्ते हैं, फूल है या फल है, खाने लायक होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसके हम दो या दो से ज्यादा हिस्से खाने में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, सरसों की अगर हम बात करें, सरसों के हम बीज खा सकते हैं, सरसों के पत्ते खा जा सकते हैं, और सरसों का जो तना है उसको भी, जिसको गंठल बोलते हैं, उसको भी हम काटते हैं, पकाते हैं और साग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। यहाँ पे इसकी पत्तियां और इसका तना भी प्रयोग किया जा सकता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ऐसे केले का पौधा है जिसके फल, जो केले हमें मिलते हैं वो खाएंगे, और उसके पत्ते अगर निकाल दें तो उसके तने में एक बहुत नरम सा हिस्सा है, उसको भी काट के उसकी सब्जी बना के दक्षिण भारत के अंदर बहुत ज्यादा इसको प्रयोग किया जाता है। तो केले के अंदर हम उसके फल और उसका तना दोनों खाने में प्रयोग करते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिनके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? ये प्रश्न उत्तरों में भी है। कुछ पौधों के नाम बताने हैं जिसके हम दो हिस्से खा सकते हैं। जैसे एक पालक हमने किया था जिसके पत्ते या तना हम खा सकते हैं, धनिया है जिसके बीज, पत्ते और तना तीनों प्रयोग किए जा सकते हैं, सरसों है, सरसों में बीज, तना, पत्ते हम ये सब खा सकते हैं, मेथी है, मेथी के बीज खाते हैं, मेथी के पत्ते हम प्रयोग करते हैं, केला है, केले में फल और इसका तना हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर चार, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह हमें सारणी दी हुई है। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, इसके संघटक कौन कौन से हैं और पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है। जैसे बैंगन का भरता, अगर हम बैंगन का भरता बनाएं तो इसमें बैंगन प्रयुक्त होगा, कुछ मिर्च मसाले प्रयोग होंगे, ये सब है। बैंगन जो है वो बैंगन के पौधे का फल है जिसको हम प्रयोग करते हैं। मिर्च मसालों के अंदर ज्यादातर मिर्च मसाले जो है वो फल के रूप में है जिसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे मिर्च है वो फल है जिसको हम प्रयोग करते हैं, जीरा है, धनिया है, ये सभी फल हैं जिनको प्रयोग करते हैं। कुछ मिर्च मसाले ऐसे हैं जिसमें हम उनके फल के अलावा भी दूसरे हिस्से प्रयोग करते हैं। जैसे धनिया है, धनिया मसाला है, उसके हम बीज भी या सॉरी फल भी प्रयोग करते हैं और उसको उसके पत्तों को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। मेथी है, मेथी के बीज प्रयोग कर सकते हैं या फिर मेथी के पत्तों को भी हम मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।